नाउ टू रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं, परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। और इसका परिप्रेक्ष्य भी है साथियों, याद करिए कि कोरोना महामारी के बीचों बीच मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला था। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, पर इसी आईटीसी ग्रैंड होटल मानेसर गुड़गांवा से लेकर कर्नाटका तक कांग्रेस के विधायकों को हर कर ले जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब 24 मार्च 2020 को जबरन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई तो ही 24 मार्च की रात से लॉकडाउन लागू किया गया। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब उसके बाद राजस्थान में भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। आर्थिक महामारी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। चीन ने हमारी सर जमीन पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार और भाजपा बजाय कोरोना, आर्थिक मंदी और चीन से लड़ने की बजाय सत्ता लूटने के षड्यंत्र में लगी है। पर उन्होंने इस बार गलत प्रांत को शायद चुनौती दे दी। उन्होंने 8 करोड़ राजस्थानियों के जज्बे को शायद समझा नहीं। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। और वो टेप्स जो अब जग जाहिर हैं, मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, उनकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और हमारे 5 प्रश्न हैं। ये ऑडियो टेप 1 है जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और इसके बीच में साफ शब्दों में लिखा है, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक और भाजपा नेता संजय जैन की तथाकथित बातचीत। हाँ साहब, बात करवाइए। भंवरलाल जी, हेलो। और फिर आगे वो कहते हैं, संजय जैन, हाँ वो तो ठीक है, पर वो एक बार संख्या बल देख लेना, हमने आज ही बुक पहुंची है। आप भंवरलाल, सरकार तो रहनी कोनी, बर्खास्त करनी पड़ेगी। संजय जैन, तुरंत है जे यानी जो की व्यवस्था मैं आपने बताई है मेरे जिम्मे है, आपकी और गिरधारी की।
गिरधारी जी सीपीएम के विधायक का नाम है, जैसा आप सब जानते। व्यवस्था मैंने बताई, आपने बताई है, मेरे जिम्मे आपकी और गिरधारी की। भंवरलाल ठीक है, संजय जैन, और मैंने साहब को मैं कह दियो कि सचिन जी की तरफ से वा लिस्ट में कोनी आवे, बात बढ़िया रहेगी, आपकी बात गोपनीय रहेगी, जिया चावे मैं करवा रहा हूं। भंवरलाल, अमाउंट की बात हो गई है ना? संजय जैन, हां ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। अगर ये आदान प्रदान नहीं साथियों, तो फिर ये क्या है? और आगे जो कहा जाता है वो उससे भी अजीबो गरीब है। जो ऑडियो टू है, मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। संजय जैन, हाँ तो उस परिस्थिति में तुम्हारा मैंने साहब को बता दिया है कि दो जने हैं जो बहुत हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, वो जो डिटेल देंगे वहां वो काम है, वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। वो बोले, संजय भाई आपने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। भंवरलाल ये है। और उसके बाद जो कहा गया कॉल, भंवरलाल अगर दिन में